हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये यहाँ पर नाश्ता कर रहे और दिनेश पूजा कर रहा है। आज दिन संडे का है, तो पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं सुबह से आइसक्रीम बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है तो बच्चे भी घर पर है और सबका आइसक्रीम खाने का मन भी है, तो इसलिए आइसक्रीम बना रही थी। इसलिए आज नाश्ता बनाने में भी लेट हो गया। तो कस्टर्ड पाउडर पकाकर फ्रीजर में रख दिया है और नाश्ता बनाकर दे दिया है। तो ये नाश्ता कर ले रहे, दिनेश पूजा कर रहा है, और ये देखिए आज भगवान की खैर नहीं, सारे फूल रख रहा था दिनेश अच्छी तरह से, मगर वो बैठ नहीं पा रहे थे, नीचे गिर रहे थे, तो बाद में इसने सारे फूल फेंक ही दिए। बोल रहा था कि खुद ही चढ़ा लो, गुस्सा होकर भगवान को ही बोल रहा है कि खुद ही चढ़ा लो तुम फूल, बैठ ही नहीं पा रहे थे, ऐसे बोल रहा है। और पापा जी और दीपक ने नहा लिया है, दीपक पोहा खा रहा है और पापा जी को रोटी बनाकर दे दिए। तो दिनेश परोस दे रहा है, क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ तो दिनेश परोस दे रहा है खाना। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ज़ोरदार बारिश है, तो वही आवाज़ आ रही होगी आपको। तो थोड़ा सा खाना खाते वक्त पापा जी को थोड़ा सा नमक और मिर्च ऊपर से डालने की आदत है सब्जी में, तो वही दिनेश लाकर दे रहा है। रोटियाँ बना ली है, सब्जी भी बन चुकी है सूखी, तो पापा जी के लिए दे रही हूँ। और दीपक दिनेश इन्होंने पोहा ही खाएंगे, अभी दिनेश ने नहीं खाया, ये पूजा कर रहा था। अभी दिनेश ने नाश्ता नहीं किया है, तो इसे भी पोहा दे देती हूँ, ये भी दीपक के साथ साथ खा लेगा। और अभी कस्टर्ड भी मैंने फ्रीजर में रख दिया है, तो उसे 2 घंटे के बाद निकाल कर फिर से उसे मिक्सी में चलाना है, तब जाके आइसक्रीम अच्छे से बन जाएगी। मगर ये मेरे काम जो है वो ख़त्म होते ही नहीं है, तो मुझे फ्रिज की तरफ जाने का मौका नहीं मिल रहा है। यहीं रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, इसी में लगी हुई हूँ। तो ये देखिए दोनों नाश्ता कर ले रहे, पापा जी खाना खा रहे। एक बार सुबह के टाइम सबका हो जाए ना, फिर तसल्ली से मैं काम करती रहूँगी। अब सुबह के 10 बज रहे और सबका नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में पोहा बना था, तो सबके लिए पोहा ही दे दिया है। पापा जी पोहा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी और सूखी सब्जी बनाकर दे दिए। और दोपहर के लंच में मैं दाल बनाऊंगी, मिक्स दाल, उड़द और चना दाल मैंने मिक्स पका कर रख दी, अभी दाल बनी नहीं है। पहले मैं कपड़े धोवाती हूँ, आप देख सकते हो बाहर, देखिए बारिश शुरू भी हो गई है। अभी तक तो धीमी धीमी धूप थी, अब चली गई, धूप भी नहीं है। तो पहले कपड़े धोवाती हूँ। और आइसक्रीम फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, जो कस्टर्ड हमने पका कर रख दिया है 2 घंटे हो चुके हैं उसमें, मगर अब वो मैं नहीं निकालूंगी, दोपहर में ही बना लूँगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहे हैं। बर्तन पड़े हैं यहाँ पर, कपड़े धोने हैं, फिर बाद में कपड़े सूख नहीं पाएंगे, तो पहले वो काम कर लेते हैं। और आज सभी घर पर ही है, ये गए कि अरे आ जाएंगे जब लंच बनेगा तो उन्हें फ़ोन करूँगी, वो आ जाएंगे। दीपक भी मेरे घर पर है, पापा जी भी घर पर ही रहते हैं, तो तसल्ली से मैं बनाऊँगी। दिनेश ने की है, आपने देखा होगा कैसे फूल फेंक रहा था। बर्तन हो चुके हैं, किचन क्लीन है, अब चलते हैं कपड़े धो लेते हैं। और ये देखिए बाहर इनके क्या क्या काम चल रहे हैं, टीवी देखते हुए बैठे हैं। आपने आवाज़ सुनी ना, पंछी इस घोंसले के अंदर है
और एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो आवाज़ आ रही है चू 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 की। और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, कपड़े तो बकेट भर के हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, अब ये कपड़े सूखेंगे कैसे। और ये पानी का बकेट भर के है, दिनेश लेके जा रहा है, मना कर रही हूँ फिर भी सुन नहीं रहा है। और दीपक एकदम शांत है आज, पता नहीं से क्या हुआ है, मैं पूछ भी रही हूँ फिर भी कोई ना कोई बात है जो इसके दिमाग में है मगर ये बता नहीं रहा है मुझे। ऐसे ही सुबह से ही देख रही हूँ आज शांति है ये, तो बहुत सारी बातें करता रहता है, बहुत इधर का उधर का, कॉलेज का, किसी ना किसी दोस्त का कुछ ना कुछ बताते रहता है, मगर आज बिल्कुल शांत है, बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर दिनेश कंप्यूटर पर लगा है और दीपक तब से शांति है, बात नहीं कर रहा है। और कपड़े देखिए धुल कर यहाँ पर अंदर डाल दिए, फैन ऑन कर दिया है, फ्रेश क्रीम है कल और आज की जमा की हुई है, तो इसी की हम व्हिप क्रीम बनाएंगे। तो इस तरह से मिक्सी के जारी में मैं एक कटोरी भर के मलाई ले रही हूँ और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे चला लेते, थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे ताकि इसका ना मक्खन ना निकले, इस तरह से चलाने से मक्खन नहीं निकलेगा, बस ये व्हिप क्रीम तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्रीम तैयार हो चुकी है। इसमें हमें मिलाएंगे आइसक्रीम, ये आइसक्रीम अभी बनी नहीं है, बस एक कस्टर्ड पाउडर और दूध ही है। हम इस व्हिप क्रीम में डालकर इसे मिक्सी में चला लेंगे। तो इसे भी बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा रुक रुक के मैंने चलाया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए व्हिप क्रीम इसमें। अब हम इस डब्बे में डालकर रख देते हैं। बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है, जैसे हम बाज़ार से ले आते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से, ये लगती भी वैसी है और दिखती भी वैसी है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से काजू बादाम के टुकड़े डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हो लग रहा है ना बाज़ार से लाया हुआ। अब हम इसे अच्छे से ढककर फ्रीजर में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये जम ना जाए तब तक। और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, जाती आती रहती है लाइट, लाइट रहेगी तो ये जल्दी से जम जाएगा, अगर लाइट चली गई तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो अब मैंने ये फ्रीजर में रख दिया है और फुल मीडियम पर करके हम रख देंगे और इसे 3 से 4 घंटे रख देंगे, अगर लाइट कंटिन्यू रही तो, अगर लाइट गई तो ये अच्छे से जम नहीं पाएगा। 3 से 4 घंटे हुए हैं आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए, तब तक मैंने दूसरे काम कर लिए, झाड़ू वाड़ू लग चुके हैं घर में। तो आइसक्रीम जम तो चुकी है मगर पूरी तरह से नहीं जमी है, नीचे की तरफ अच्छे से जम चुकी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ना पतला सा है, मगर बच्चों को चाहिए तो उन्हें दे दी तू पहले में, क्योंकि आज दिन भर से वो इंतज़ार कर रहे हैं आइसक्रीम का, मगर ये लाइट के चक्कर में, इन कामों के चक्कर में आइसक्रीम अच्छे से जम नहीं पाई है, मगर कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है तो दे देती हूँ। टेस्ट
बहुत अच्छा आता है, बस थोड़ा अभी थोड़ा सा जमना था इसे, अभी 1 घंटे रखती ना अच्छे से जम जाती। तो लग रहा है ना मार्केट से लाई हुई आइसक्रीम, तो दिनेश को दे दिया है, उसे तो सब्र नहीं कब से नाच रहा है मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये दीपक के लिए और मेरे लिए ले लिया है, पापा जी ठंडी चीज़ें नहीं खाते तो उन्हें नहीं दे रही हूँ, और ये अभी आए नहीं है, आने के बाद इन्हें भी दे दूंगी, और ये बारिश के दिन है पता नहीं ये भी खाएंगे या नहीं। सुबह ही बोल रहे थे जब मैं आइसक्रीम बना रही थी तभी बोल रहे थे ऊपर से बारिश हो रही है तो आइसक्रीम मत बनाओ जुकाम हो जाएगा बच्चों को बोल रहे थे, फिर भी मैंने बच्चों की फरमाइश पर बनाई है। और ये कपड़े देखिए पूरे घर में मैंने फैला दिए हैं कपड़े इधर उधर फैन ऑन करके, क्या करे बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और सारी नदियां भर भर के आई हुई है, हर तरफ पानी पानी है, पता नहीं बारिश कब रुकने वाली है। तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, जैसे हम मार्केट से ले आते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से आइसक्रीम बनी है, और बनाना भी आसान है, कुछ तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, बस थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत है इसमें। तो आप भी बनाए खाए सबको खिलाए। आइसक्रीम आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से ले आते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से लग रही है, वैसे ही टेस्ट आ रहा है। तो अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देती हूं, और मुझे अच्छे से स्टूडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू